अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद फ्रॉम जीएम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा मोबाइल फ़ोन यूज़ में अवेलेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी नया फोन मोबाइल आया है मार्केट में, तो अभी ये बिल्कुल न्यू फ़ोन है, नॉन पीटी डिवाइस है, अमेरिकन जो है डिवाइस है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इसकी कंडीशन वगैरह चेक करवाऊँगा और बॉक्स चेक करवा दूँगा। बॉक्स में बता के आपको जस्ट केबल ही आ रही है आजकल, तो बॉक्स मिल जाएगा आपको, इसके साथ केबल मिल जाएगी। बर्गंडी कलर है ये, काफ़ी खूबसूरत जो है इसका कलर है। 256 GB में जो है ये वेरिएंट है। कंडीशन जो है इसकी 10x10 कंडीशन है। कलर भी जैसे देखने में बहुत खूबसूरत कलर है। पाकिस्तान में भी जो है लॉन्च हो चुका हुआ है, लेकिन आजकल जो है ये डिवाइस शॉर्ट हुई हुई है और जो इनवाइस रेट है उससे महंगी जो है मार्केट में सेल हो रही है, और काफ़ी शॉर्ट है आजकल ये मोबाइल। ये मेरे पास जो है यूज़ में अवेलेबल है। अब एस सीरीज़ जो इनकी आ रही है, इसी में इन्होंने नोट सीरीज़ भी मर्ज कर दी है। अब नोट सीरीज़ आपको आगे आने में नहीं मिल, आगे फ्यूचर में नहीं मिलेगी। पहले एस सीरीज़ में एस पेन आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब से आपको जो है मिला करेगा S22 अल्ट्रा में। कंडीशन जो है इसकी 10x10 कंडीशन है। स्पेसिफिकेशन में पहले आपको इसकी बता देता हूँ। 228 ग्राम सेट का वेट है। 6.8 इंच स्क्रीन साइज है। डिस्प्ले इसमें आपको जो है डायनेमिक एमोलेड मिल जाएगा 2x। QHD+ आपको जो है इसमें रेजोल्यूशन मिल जाएंगे। 500 PPI मिल जाएगा इसमें आपको। बैक साइड पे इसमें आपको क्वाड कैमरा मिल जाएगा, 108 MP मिल जाएगा आपको वाइड एंगल के साथ, प्लस 10 MP मिलता है जिसमें आपको पेरिस्कोप टेलीफोटो मिलता है, जिसमें आपको 10x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा, और 10 MP टेलीफोटो मिलेगा जिसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा, और 4th इसमें आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा जो है इसमें आपको मिल जाएगा 40 MP का वाइड एंगल के साथ। बाकी जो है डिस्प्ले वगैरह मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसके, और इसके अबाउट डिवाइस में आके वो डिटेल्स चेक करवा देता हूँ। 5000 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 45 चार्जर के साथ, फोर्ड के चार्जर के साथ। चार्जर के लिए आपको पता है अलग से लेना पड़ता है, इसके साथ चार्जर आता नहीं है। ये इसका मॉडल नंबर है। फिंगरप्रिंट आपको इसमें अल्ट्रासोनिक मिल जाएगा, अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिलेगा, काफ़ी फास्ट है। अगर आपके हाथ पे पसीना वगैरह आया या आपके गीले आते हैं तो तब भी ये फिंगरप्रिंट आपका काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। फ्रंट और बैक पे आपको जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की जो है आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। कैमरे वगैरह इसके जो है बहुत आउटस्टैंडिंग कैमरे हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हैं, आपको वो भी चेक करवा देता हूँ, और इसका जो एस पेन है वो भी आपको यूज़ करके चेक करवा देता हूँ कि कैसा काम कर रहा है इसका एस पेन। कैमरे वगैरह जो है इसके काफ़ी अच्छे कैमरे हैं, क्वालिटी कैमरे की काफ़ी अच्छी है। कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हुई हैं, मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ। या अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी जो है इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपकी हो जाती है। ये इसके जो है फ्रंट कैमरे का रिजल्ट है, 40 MP जो है फ्रंट कैमरे का रिजल्ट है इसके, और ये इसका बैक कैमरा है। बैक कैमरा जो है इसका आउटस्टैंडिंग बैक कैमरा है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका। वीडियो के लिए भी अगर आप देखते हैं तो अभी सामने जो है रमज़ान बाजार लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको जूम करके नहीं दिखा सकता। 20x तक जो है ये जूम होता है, फिर भी इसका आप चेक कर लें स्क्रीन पे, 20x तक जूम आ रहा है इसका। बाकी जो जो इसमें ऑप्शन आ रही हैं वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। मोर में आएंगे तो आपको सुपर स्लो मोशन के मोशन ऑप्शन मिल जाएगी, स्लो मोशन की ऑप्शन मिल जाएगी, पोर्ट्रेट वीडियो की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। फ्रंट पे भी आपको जो ये ऑप्शन मिल जाती है, और इसके अलावा स्क्रीन में आपको पोर्ट्रेट कैमरे की ऑप्शन मिल रही है, फ़ोटो की ऑप्शन मिल रही है, वीडियो की ऑप्शन मिल जाएगी। तो कैमराग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है, फोटोग्राफी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी डिवाइस है। कैमरे वगैरह जो है इसके काफ़ी अच्छे हैं, और जो इसमें चिपसेट लगा हुआ है स्नैपड्रैगन मिल जाएगा आपको 8 Gen 1 4 nm के साथ। बहुत ही जो है हैवी प्रोसेसर इन्होंने लगाया अपने डिवाइस पर, और ये मैंने बताया कि ई सिम के साथ है, ये अमेरिकन डिवाइस है, नॉन पीटी डिवाइस है, ये अमेरिकन है, तो ये फिज़िकल ड्यूल नहीं मिलेगा आपको, ये ई सिम के साथ मिलेगा आपको, और ये नॉन पी टी डिवाइस है। इसकी जो कीमत है इस वक्त 1,90,000 रुपये इसकी जो है डिमांड है, इस फ़ोन की 1,90,000 रुपीज़ सेट की डिमांड है। जो भी कस्टमर परचेज़ करना चाहता हूँ उससे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो है फ़ोन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं न्यू कंडीशन में है। और जो पाकिस्तान में अभी फ़ोन आ रहा है न्यू, वो अभी बिल्कुल शॉर्ट हुआ हुआ है, अभी आपको अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो 20,000-25,000 रुपये आपको ज़्यादा बता कर, यानी कि उसके ऊपर आपको देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो महंगा मिलेगा। तो ये भी फ़ोन अभी नॉन बीटी है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में। जो भी कस्टमर परचेज़ करना चाहते हैं उससे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ आपको इसका बॉक्स मिल जाएगा और इसकी ओरिजिनल केबल आती है वो मिल जाएगी। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएम टेक।